गर्ग हमारे साथ पूर्व चेयरमैन हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए आए हैं। आपकी कमी बहुत खल रही थी क्योंकि जब वन साइडेड कन्वर्सेशन होता है तो लाजमी सी बात है कि एक पक्ष जो है वो हावी रहता है। मैं चाहूँगा आप माइक ले लें। अभी तक जो मेरी देवेंद्र जी से बात हुई है, उन्होंने पिछले 9.5 साल में काफ़ी कमियाँ गिना दी हैं यमुनानगर में। उनका ये कहना है कि इंटर कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कें जो है बदहाल हैं, यमुनानगर के लोग जो हैं वो खड्डों में जी रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर लोग धक्के खा रहे हैं। कर साहब क्या कहेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने 9.5 साल के कार्यकाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने जिला यमुनानगर के अंदर जो है आम पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया है। और क्योंकि विपक्ष का काम आरोप लगाना ही होता है तो इनका आरोप जो है वो जायज़ है, ये लगाएं। और सरकार के अधिकारियों का, सरकार के नुमाइंदों का ये काम होता है कि उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका स्पष्टीकरण दें। जी बिल्कुल। तो उसी कड़ी में जहाँ तक सड़कों की बात है, अगर हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो आप देखिए क्या हालत थी हमारी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना के बराबर था। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था। जब हम पंचकूला से चलते थे और यमुनानगर आते आते जो है लगभग 3 से 4 घंटे हमें लगते थे। और सड़क जो थी वो सड़कों में खड्डे नहीं थे, खड्डों में सड़क थी। जी। तो आज 2014 के बाद आप देखिए कि कितना बदलाव हुआ है। केवल जिला यमुनानगर ही नहीं, पूरा हरियाणा ही नहीं, अपितु पूरे हिंदुस्तान में जो है सड़कों का इतना बड़ा जाल बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो आम आदमी, हमारे जो कांग्रेस मित्र हैं या विपक्ष के मित्र हैं, वो भी इस बात को लोहा मानते हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ है शायद इतना कभी जो है आज तक नहीं हुआ। एक बेरोजगारी को लेकर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया कि नौकरियां नहीं लगी। क्या कहेंगे सर, इस जिले की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ आंकड़े आपके पास हैं ताकि आप अपने विपक्षी सहयोगी को जो है वो जवाब दे सकें? क्या कहेंगे बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी, रोजगार नहीं लगा युवा बेरोजगारी की? देखिए, जो बेरोजगारी की जो जहाँ तक बात है, आज हरियाणा के अंदर ये सिचुएशन है कि आज मुझे अगर किसी एम्प्लॉय की जरूरत है तो मुझे एम्प्लॉय नहीं मिलता। आज अगर मुझे किसी अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत है, आज एम्प्लॉय नहीं मिलता। लेबर की जरूरत है, लेबर नहीं मिलती। घर में कोई मेड या कोई डॉक्टर की जरूरत है, वो नहीं मिलता। फैक्ट्री में जरूरत है, वहाँ नहीं मिलता। तो आप किस बेरोजगारी की बात करते हैं? आज जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज सबको अच्छी नौकरी, आज सरकारी नौकरी की बजाय प्राइवेट में इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब है प्राइवेट के अंदर कि आप दिए आंकड़े हमें बताइए कितने प्राइवेट के हमारे पास साथी हैं जो आज बेरोजगारी के अंदर जो जरूरत है। क्या कहेंगे तुम्हें?